गरिमा के बेटी संरक्षण के विषय लेके अधिकांश लगभग देखा तानी परसेंटेज सब लोग के सहमति बा। सब लोग के यहाँ पुजारी से लेके टहरू से लेके यहाँ के वक्ता लोग यहाँ के जन समुदाय संपूर्ण लोग के मुखिया जी लोग के संपूर्ण लोग के कि महीनवारी में ही अच्छा रहे लेके हम जन समुदाय के संपूर्ण जन समुदाय लोग के जोन धारणा बाने हमारे महागढ़ी में नगर पालिका भी 100% अपने के साथ में बात प्रतिबद्धता करे और साथ ही कड़ी में के खेती संरक्षण और महीनवारी संबंधी हमने क्या अपन पालिका से पास करके खेती और पूजा संबंधी कार्य विधि और पुजारी संबंधी व्यवस्थापन संबंधी कार्य विधि इस सब पास करके और आए वाला दशहरा घटस्थापन से पहले ये नीति नियम ये गरिमा में लागू हुई कह के हम प्रतिबद्धता करके साथ बहुत वक्ता लोग से आयला बात कि पूजा जौन गड़ी में मूर्ति पूजा जौन छू के ध के अभी हम के शीशा भी कहानी है तो ये लगभग ये परंपरा हर एक मंदिर में नहीं थे कि मूर्ति छू के पूजा करे के तो ये भी हमने के साथ कोनो किस्म के पूजा अनुष्ठान करके घट स्थापन से पहले और मूर्ति छुए के पूजा बंद कर दी। आए वाला दिन में देश के क्यों वीआईपी साधारण व्यक्ति से लेकर वीआईपी व्यक्ति तक साधारण जनता से लेकर देश के राष्ट्रपति जी तक नियम एक एक रही कह के भी हम प्रतिबद्धता कर देते हैं। अब इन्हें दो तीन गो बच्चा लोग कहलन यहाँ बात आई कि एक नंबर वार्ड में सूचने नहीं किया एक नंबर वार्ड के लोग कौन बा। हम तो देखा था नहीं सब लोग पूरे एक नंबर के हे पर्सन देख रहा हूँ सारा लोग एक नंबर वार्ड के भाई सारा लोग एक नंबर वार्ड के लोग करता लोग सब लोग यही ना देखा था नहीं देखा था नहीं एक नंबर वार्ड के लोग जोन खेती संरक्षण के विषय लेके चपदार पुकार के गवा गाई के लोग ले आके यहाँ लाठी चलावे के नहीं खेलू मत लेवे के बाद तो यहाँ के मत लेवे के रखा यहाँ के लाठी चलावे के बात नहीं है मारामारी करे के बात नहीं है तर्क से बात करे के बात बा कौन चीज से अच्छा हो या गड़ी में के मंदिर के व्यवस्थापन कैसे हो। तो यहाँ जिम्मेवार व्यक्ति लोग के मुखिया जी हमार बात में कहल में रही तब न मुखिया जी कहा मुखिया जी अपने खबर करवा दिया चारोरी मुखिया जी के हर अलगे भय लगी तो हमारा विश्वास हुए जो व्यक्ति के रूप हम हो तक कह दिया लोग तक ये काम कह दिया हम ऐसा ना समझिया दे दी कि वो समाज में बीच में जाके छोड़ दे समाज ना दे तो ये लेके देखी अपने सब लोग और प्रश्न बात समझी और बुझी। नेपाल में तीन तरह की सरकार बाटी एगो स्थानीय सरकार एगो प्रदेश सरकार एगो केंद्रीय सरकार संघ सरकार देव सरकार संविधान के अनुसार हमने के कानून बना के जनता के लिए वो कानून लागू करेला हमने के अधिकार नेपाल सरकार देले बा संविधान देले बा तो वही संविधान अंतर्गत हम आज अपने सबन के वोट से आज स्थानीय सरकार बनी है तेरे अंगने मेरे अंगने ना हम पूरे हम सरकार बनी है कि हम प्रमुख बनी हम वाडा अध्यक्ष के निर्देशन दें बगल वाडा अध्यक्ष हमारे निर्देशन ना हम वाडा अध्यक्ष जी के मुखिया जी अपने हर काम करी तो वो करे के पड़ी आ ना करी हम तो कार्रवाई करे के भी अधिकार हमारे नेपाल सरकार दे लेगा ई कावत स्वच्छ बा ई करा के अपने लोगन अन्यथा ना ले और दुख भी ना वाड़ा अध्यक्ष के निर्देशन देवे के हमर
कर्तव्य बा। हम यहाँ के सरकार प्रमुख बने तो वही से कहल मुख्यमंत्री जी के मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वारा अध्यक्ष जी हमारे ना कह सकल कि सब हमारा अंगना है। यहाँ के प्रमुख यहाँ के राजा जे कहें यहाँ के सब कुछ हम बने। अब आज प्रश्न करे के चाहिए रहिए मुखिया जी से, मुखिया जी के जो बात करे के बाद चाहे कोनो किसी के बतलाव करे के बाद चाहे हमसे अथी करे के बाद तो पालिका बा हमने के पालिका के बोर्ड बा हमने के नगर सभा बा ओ में बात रखे के चाहिए। हमर बात हम केकरा के कहली हमरा अंगने में तेरे अंगने में विधि के शासन के नियम कानून के लांग के मुख्यमंत्री जी आ रहे ओ मेला में उनका अपने थान रहे स्थानीय संचालन 2074 में का व्यवस्था बा का कानून व्यवस्था कैले बा केकर अधिकार केकर अधिकार के बना बा। मगर वड़ा जल जी का अधिकार लिखल बा 2074 के संविधान में हमने के संचालन में वड़ा जल जी के कथी कथी अधिकार बा। वड़ा जल जी के अधिकार ई बा ई दूसरा का बात बोले क्या कहल अगर मुँह जारी के बाद उठा नहीं है तो मूल पुजारी और सहायक पुजारी के अभी हमने के विश्लेषण नहीं कहले और ना तैयारी बगैर बनी का है कि लोग अपने मने दोनों आदमी कहे लोग हम मूल पुजारी बोल के रहे लोग भेजरानी हमें था बस में सब लोग के कह देने बहुत लोग के कह देने उनमें हर एक दल के लोग रहे सब लोग के कहल गए रहे सब लोग के कहावल गए रहे कि अपने सब बन जाए एक से एक लोग के कहल गए रहे कि अपने लोग बन जाए। और नेपाल के 10-12 तीर्थ स्थल घूम के आए मगर वही में राजनीतिक हो गए वही में कहे वाला हो गए नहीं खेत जाए के नहीं ना जा देवे के बाद ई मेयर साहब के एजेंडा पास नहीं के हो देवे के बहुत सारा लोग फूल कटा के घरे घरे रोके लगे यही लोग बैठे बलो केहू तक दूर बैठे हुए गाछी लग आ केहू लोग कुछ लगे बैठे हुए यही लग कुछ दूर बैठ के कुछ लोग सोचे तो तक हम दूर से सुने थे वैसे वैसे तो लोग हमने के समुदाय में बा भाई माने हम गढ़ में के विकास हो तो उपेंद्र यादव के घर में जाइए। अब बताई लोग गढ़ी मई के मेला में ये साल मेला लागल हो मगर उपेंद्र यादव के केहू प्रमाणित करना दे कि हम मेला में से घोटाला कैले होके अवैध पैसा कमाए होके कितना पैसा कमाए बा कितना लोग के उद्देश्य बा कि ये मेला में अनेक किस्म के प्रगंडा फैला के वार्ड के लहर लगा के जात के लहर लगा के यादव कानू के लहर लगा के मुस्लिम हिंदू के लगा के ये मेला में हम घुस गई थी तो हमारे कर्जा सब जाए कर्जा तो बाटे बैंक के कर्जा तो बा लोग के तो हम भूखा लगल बड़ी कि कहूँ कुछ हो जाए तो कुछ कर्जा सब जाए मगर कदापि हम खबरदारी देवे के चाहता नहीं और सब लोग के सामने प्रतिबद्धता जनावे के चाहता नहीं एक वो भ्रष्टाचारी ना हो सब चीज के हमने का प्रदर्शी करो सब चीज के प्रदर्शी करके सबके हिसाब किताब दे पहले भी कहा लगा नहीं मगर विवाद के चलते मेला में अनेक किस्म के लोग इसमें डूब के आओ मेला के तहस तहस कर लगो मगर ये मेला के हमने का कौनो किसी के ना कोती के हक से केहू लोग कही हम तो कोती दे क्या है कानून सबसे बड़का बा उपेंद्र यादव बड़का नहीं कर वड़ा आदर जी बड़का नहीं कर आ विधायक जी या राष्ट्रपति जी बड़का नहीं कर कानून बड़का बा आ कानून के सब लोग के माने के पड़े कानून के विपरीत क्यों कहना जाए के पड़े। आज लोग कह लोग अरे गरिमा समिति में मुस्लिम कहा रखा दे लोग आ हम कहते भल रामपुर में जलसा भर रखा पूरे देश के मुसलमान आए रखा तो में हमारे को उपेंद्र यादव के कहे ला में विशिष्ट अतिथि के रूप में लोग हमारा के लेके मंच पर बैठा रहे हिंदू के दूसर का हिंदू के छठ घाट पर जब मुसलमान दौड़ा लेके चल जाता तब वाह 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 मुसलमानों लोग हमारे धर्म के स्वीकार करेगा छठ करेगा आ जब कोनो समिति समिति में बुला दिए मुसलमानों के हमारे समुदाय के तो मुसलमान कह रहे तो हिंदू मुस्लिम के संघ संस्था लोग से भी हम अनुरोध करे जातीय संपदा और
धार्मिक पर आज आए वाला कोनो किसे के उपसिंगल काम ना करेंगे। पर हमने के जात जाति और समुदाय धर्म के सब के मिला के देश हर एक जात के बाद हर एक धर्म के बाद ये लेके इनमें सब लोग के अधिकार बा और सब लोग के दिबा गड़ी में तो अभी वार्ड ना छुटिया होता। ये गलत बात बा जे प्रबंधा फजा होता तो गलत बात कर रहा हूं। आज वार्ड से तो हम रामचंद्र जी कौन वार्ड कर रहे दूबे तो वो वाला था मेरा के संचालन करने पड़ा दूबे तीन बेरी वो तो हम नहीं कतरा के कर रहा परम बाबा तो परम बाबा ये परम बाबा तो हाउ परम बाबा ये नाटक होती के ये नाटक चले वाला भी नहीं थे इसलिए के संपूर्ण लोग सामान रोज बा ये गड़ी में के वास्तव में विकास हो जाए तारी तो गड़ी में के हर एक जवान नीति नियम बा और सब लोग साथी लोग और गड़ी में के विकास एगो एक नंबर वार्ड के नहीं थे पूरा जिला बस के विकास बाटे ये लोग लोग नहीं नू तो सब तो कान वाला घर चल जाएगी पर ये लोग पर बनना में फंसी हो तो आई जो धूल पड़ी गई तो लोग 3 लाख रुपए धूल 4 लाख रुपए धूल ये लोग के उन लोग ना कभी करे कौन कौन काम है लोग जे लोग धूल पर पिता पर जमीन बेचता आज ओकर देन बा यहाँ के जोन भी विकास होता यहाँ के व्यवस्थापन करा जाता यहाँ के सब लोग बिगाड़ वाला धनिक नहीं के मगर धूल वाला धनिक बैठा एगो दुकान वाला है आज धनिक बा यहाँ के भक्तजन लोग के यहाँ के वातावरण अच्छा रही तो यहाँ के संपूर्ण लोग के कल्याण हो। पंडित जी कहला ना कि पुजारी के सुध रहे के परी तो पर भी हमर भी अथी बा कि पुजारी के वास्तव में अगर पूजा करे के बाद तो हिंदू शास्त्र में केने लिखा बा फूल पैंट पहन के पुजारी के बैठे के मंदिर में पुजारी लोग मर्दानी पहन के और कुट महता जाए के बाद बरियात जाए के बाद डीप डाप करे के बाद सब पैंट पहनी लोग कोट लगाई जाए मगर मंदिर पर बैठी तो मर्दानी पहन के और पूजा करे करके ये हमारा धारणा बा आई करे के पर लेके आज जो हमने के कार्यक्रम में सहयोग करनी एक लेके संपूर्ण विशिष्ट अतिथि अतिथिगण पत्रकार साथी संपूर्ण महागणी माई के पासी जिलावासी संपूर्ण लोग में हम हृदय से धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम पूर्ण सफलता एकदम पूर्ण सफल बाटे और रही ये गणी माई से प्रार्थना करते हुए हम अपन दूसरा देते रखा था धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद कार्यक्रम भी सफल होता है।